हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। जी सुबह का टाइम है और टाइम हुआ है अभी 7:30 बजे का, और नहा धो तो लिया, कपड़े फैला दिए, लेकिन बंदर भी ना गैली आ लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, मम्मी जी को नाश्ता दूंगी, खुद भी करूँगी और कान्हा जी को भी दूंगी, क्योंकि मैंने ना कान्हा जी को भी नहला दिया है। ये देखिए, मैंने कान्हा जी को नहला के बैठा दिया है, और आज मैंने गर्म ड्रेस पहनाई है क्योंकि सुबह सुबह ना ठंड सी होने लगी। अब मम्मी भी सो लोटे बैठी और मैंने भी सो लोट रखा। और फ्रेंड्स, एक गैस पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, तो चाय बन रही है। सुबह की एक चाय हमने पी ली थी, मम्मी जी ने भी पी ली थी और मैंने भी पी ली थी। तो अभी ये दूंगी मम्मी जी को नाश्ते के साथ की, एक रोटी दूंगी नाश्ते में बना करके, नमक की रोटी, और मैं भी तो लेती हूँ यही। तो इधर मैं बना रही हूँ चाय, अदरक वाली चाय, टेस्टी सी बिल्कुल। और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो तवा रख दिया है, तो पहले तो एक छोटी सी कान्हा जी का पराठा बनाऊँगी, छोटू सा, और उसके बाद जो है एक एक रोटी अपन अपनी बनाएंगे। तो यही हमारा सुबह का सिंपल सा नाश्ता होता है। ज़्यादा मम्मी पराठा वगैरह नहीं खाती है, और ना ही खाती हूँ मैं पराठा, कभी कभी तो बोलते नहीं, वरना ज़्यादातर हम रोटी ही खाते हैं सुबह के टाइम। तो अभी बच्चे और सो रहे हैं, नहीं वंश तो उठ गया है, तन्नू सो रही है। और फ्रेंड, आज तन्नु को जाना है वापस, तो मैं बोल रही थी जल्दी उठ जा भाई, अपना नहा धोकर तैयार हो जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी वो भी नहीं होती, फिर लेट ही लेट हो जाएंगे। और फ्रेंड, नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है अभी मैं कर रही हूँ तन्नु के पापा के कपड़ों पर प्रेस। वैसे ना इन कपड़ों पर प्रेस हो रही थी, लेकिन यही है जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना प्रेस हुए कि टंगे टंगे भी, तो उनकी ना थोड़ी सी क्रीत ख़राब हो जाती है। तो वैसे तो इन पर थी, पर मैंने एक बार कि इन पर एक बार और मार दूँ, उन्हें लगेगा कि इन पर प्रेस ही नहीं हो रही है। और मैंने उनसे पूछ लिया था, क्योंकि उनका यही रहता है जिस पर मैं कपड़ों करती हूँ ना, जो मैं उन्हें पहनने के लिए देती हूँ वो नहीं पहनते, दूसरे पैर के चल देते हैं। तो आज मैंने पहले ही पूछ लिया था कि जो उनसे भी कपड़े पहनने हैं मुझे बता दियो, पहले ही मैं कर दूँगी। और तन्नू उठ चुकी है, और वंश ना उठ गया था बाहर, उठ गया था बाहर के बिस्तर, हमने इनका उठा दिया था, उठ गया था, लेकिन दोबारा से टॉयलेट वगैरह जा कर के और अम्मा जी के पास आ कर के फिर लेट गया। तो अभी यहीं पे बिस्तर में लेटा हुआ, उन्हें कह रहा मुझे थोड़ी सी देर और सो जाने दो, आज तो संडे का दिन है। बच्चों का भी यही है, उठ जाते हैं फिर सो जाते हैं। तो अभी ये यहीं पे लेटा हुआ है, और मैं बोल रही कि भाई उठ जा, बहुत टाइम हो रहा है, संडे का मतलब ये थोड़ी है कि फिर दोपहर तक आप सोते रहोगे। तो तन्नु तो उठ के अपने फ़ोन में लग रही है, और तन्नु की ना तबीयत आज ख़राब है, उसके हो रहा है नज़ले का शिकायत कल से। बोला भी था कि दवाई ले लो, लेकिन वो दवाई नहीं खाती नज़ले में, बोल रही कि ये नज़ला जो है 2-3 दिन में अपना आप ठीक हो जाएगा, तो उसने दवाई नहीं ली है, उसकी हो रही थोड़ी सी तबीयत ख़राब। तो जी अभी मैं उनके कपड़े पे कर रही हूँ प्रेस, जल्दी जल्दी ये कर करके फिर मुझे जो है अपने नीचे के काम निपटाने हैं, और फिर जो है जब ये जाएंगे इनको मतलब इनका बैग वगैरह लगा करके इन्हें भी भेजना है। तो और फ्रेंड, प्रेस तो मैंने कर ली थी, एक ही जोड़ी कपड़ों पर करनी थी, तो ज़्यादा वो बिनते, और जो मैंने कल कपड़े सुखाए हुए थे ना, तो वो पूरी तरह से सूखे नहीं थे, तो मैंने ना कल उनकी ऐसे कैसे ही एक बड़े से सोल में गठिया बांध के रख दी थी अंदर। अभी मैंने बाहर बालकनी में जो है खाद डालती है, तो अभी मैं करूँगी उनको सारे को जो है सुखा दूँगी बाहर धूप में, और इस तरफ ना बंदरों का खतरा नहीं आता है, तो इस तरफ मुझे आसानी रहती है। तो कुछ तो खाट पे ही सूख जाएंगे, और कुछ जो है मैं बाहर रेलिंग पे डाल दूँगी, तो इनमें थोड़ी थोड़ी धूप लगनी है, आराम से इधर ही लग जाएगी और अच्छे से सूख भी जाएंगे, क्योंकि ये कल पूरी तरह से नहीं सूखे थे। तो अभी मैं इनको यहाँ पे डाल दूँगी। तो जी तो है भाई, इनमें हां तो ये बच्चे वाले थे, ये तो प्राइस दिखा रहा है, ये तो सब ओए खुशी ये दे, इसमें जो है वो चला है। हां ये अच्छा ओपन है, जैसे सही मिली वो मेरे को कुछ नहीं, अपने पास में है, मैं जब मैं हमारे की कुछ और गुजारा है, कुछ नहीं है, जब मैं 400 रुपए हो गए, मुश्किल से पड़ रही होगी ना, हां 200 रुपए जब भी कमा दिए होंगे, मतलब पड़े मिलाई कर रही भाई, मैंने तो दे दिए, देख मिलाई सो बंदे कुछ सो बंदे 300 रुपए दे देते, ये नगारा मुझे भी दो, उछल उछल के देख रहा, हाँ हाँ उछल उछल के देख रहा,
वंश ये बैग लेके चल बेटा। वंश बैग उठाओ। देखो हाँ सब सामान रख लिया, मट्ठा डिब्बा उब्बा सब सामान। चलो भाई लहसन वही दादी को नु कि नजर लग जा पत्ती के लारी ले भाई लहसन भी देंगे। चलो ये लहसन दे दू अम्मा को नोरा कदी पोती का कुच्ची पट जा ले भाई अपनी जेब में रख ले। कफी ड्यूटी जा रही है भाई हमारे अब से मीरापुर तक तीन ड्राइवर बदले जाएंगे। गांव के बाहर तक लेगा फिर गांव के बाहर से लेगा फिर वे लेंगे और तीन तीन चलावेंगे। चलवा लियो उनसे है? क्या कहीं नहीं ठोकना ठोकेगा सुबह सुबह कहकर निकलो। चलो भाई किस टाइम चले साढ़े दस तो नहीं ग्यारह बजा हुआ रे। बाय 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 करके चल रही तो वापिस आवेगा। तू क्यों बाय कर रहा भाई वंश तू क्यों कर रहा तो छोड़ तुम तो खा ली सा कैसा लग रहा बड़के जाते ही उनसे। कितने दिनों से थी ना यहाँ दसवें दिन हो गए जब जा नौ दिन पूरे उसके पापा तो वही कर रहे थे एक दो दिन अभी ना जावे ना जावे पर वो कहने लगे पापा जी कल को वो है कल को मंडे है ना तो प्लेसमेंट क्लास चल रही है वो उसकी तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगी रुकती नहीं अब जा मैंने नजले की वजह से उसके पापा मना कर रहे थे कह रहे थे एक दो दिन और रुक जा छोड़ के आए हैं उसे और तुम एक घंटा हो गया गए हुए एक घंटे बाद आए क्योंकि इन्होंने ना दोनों ने अपने जूते खरीदे इसने भी और प्रियांशु ने भी रेस के जैसे सुबह सुबह रेस लगाने जाते हैं ना दौड़ लगाने जाते हैं तो इनके अब शाम को जाया करोगे तो इनके ना जूते जो पहले थे वो फट गए थे और वो थोड़े से ना कंफर्टेबल भी नहीं थे तो आज ये दोनों एक जोड़ी जूते लेके आए हैं। प्रियांशु तेरे कहाँ हैं फ्रेंड ये तो लाया है वंश हैं तो दोनों के बिल्कुल एक से ही बस कलर ही अलग है। वंश के हैं ब्लू कलर के ये नीचे से इस तरह से हैं कहते दौड़ लगाने में ना ये बढ़िया रहे हैं ये ठीक है। अरे कि यहाँ से बड़े कंफर्टेबल हैं यहाँ पे ये जो है ये चीज़ बड़ी कंफर्टेबल है तो ये दोनों रेस के लिए लाए हैं और ये लाया है प्रियांशु इसके भी बिल्कुल ऐसे ही हैं बस कलर ही अलग है। इसका है ब्लैक कलर ये भी नीचे से ऐसे ही है। चल जाए तुम रेस के लिए चाहिए थे इनके फट ही रहे थे दोनों के तो ये आए अभी एक घंटे बाद फिर और अभी वंश खा रहा है खाना क्योंकि ये ना खाना खा के नहीं गया तो सब खाना खा के चले गए थे और आज खाने में बनाए हैं छोले चावल। आ जा खा के जाता आराम से खा ले। मामी जी ने बड़ी जल्दी चाय पी गरम गरम ही मामा जी भी ऐसे पीवे मामा जी भी बहुत तेज पीवे ठंडा बता हमने तो अभी कप भी नहीं उठाया मामी जी ने खाली करके रख दिया ऐसा तो मेरे पता नहीं एक घूट भरी पेपर पढ़ लिया या बात कर ली भाई वो तो ठंडी पानी हो रही क्या फायदा अच्छी ना लगती ठंडी लगा बढ़िया
मामा जी बहुत तेज पीवे। जो कभी ऐसा हो जाए ना मैं आगे और एक आध मिनट की वो हो जा देरी घलने के बाद नुगा ठंडी चाय ला दी ला ली। शाम का मेरा सारा काम निमट चुका है नीचे का भी, और अभी ऊपर का तो मैं करके आई थी सारा, तो नीचे का मेरा सारा काम निमट चुका है। मम्मी जी के पास ना है आ रही अभी पीरी, मम्मी जी के पास आई है मामी जी और दीदी है, और आज ना तन्नू से लिता गई है लेकिन उसके बिना ना बिल्कुल भी जीन लग रहा, और बच्चे भी दोनों जो है बाहर खेलने के लिए गए हैं। वो जैसे दौड़ लगाते हैं ना तो आज से दौड़ सुबह के टाइम ना लगा के जो है शाम के टाइम लगाया करेंगे, क्योंकि बोलते हैं सुबह सुबह ना एक तो जल्दी से उठन जाता, अंधेरा बहुत होता है और सुबह सुबह ठंड लगती है, तो आज वे इस टाइम दौड़ लगाने के लिए गए हैं। मम्मी जी के पास बैठे मामी जी, मैंने उन्हें चाय वगैरह सब दे दी है। तो जी इस व्लॉग का भी चलिए कर देती हूँ यहीं पे एंड, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।